प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कल महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने 11 लाख लखपति दीदी को सम्मानित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने जहां महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना की सराहना की, वहीं उन्होंने 2500 करोड़ के फंड की भी घोषणा की, जिससे 40,30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के लगभग 48 लाख सदस्यों को फायदा होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 5,000 करोड़ का बैंक लोन भी बांटा, जिससे 2,35,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के 25,80,000 सदस्यों को फायदा पहुंचेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने महिलाओं के साथ सीधे बातचीत भी की, जिस दौरान महिलाओं ने स्कीम से जुड़ने के बाद उनका क्या अनुभव रहा, यह पीएम मोदी के साथ साझा किया। जो लखपति दीदी बन जाती है और जो नहीं बनी है, उन दोनों के बीच में क्या संवाद होता है? जो लखपति दीदियां बन जाती हैं, तो उनके घर की स्थिति, उनका अनुभव कुछ और अलग उनको दिखता है कि वो अपना खुद आत्मनिर्भर हो जाती हैं, जिससे वो अपने परिवार का खर्च बहुत अच्छे से चला लेती हैं। और मैंने सर दो दिव्यांग उद्यमियों हैं, उनको भी सपोर्ट किया है, उनको भी देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। वो दिव्यांग भी लखपति दीदी बन गई? जी बिल्कुल, उनको लखपति। क्या काम करती हैं वो लोग? एक सोना पत्थर का बिजनेस है, एक किराना दुकान है। मैं खुद लखपति सीआरपी हूँ, 3.5 से 4 लाख रुपए कमा लेती हूँ, और मैंने अपनी दीदियों को भी लखपति सीआरपी बनाए। मैंने भी, मैं तो लखपति हूँ ही, मैंने 207 महिला को अभी लखपति बनाया है। और इस आप लखपति दीदी बनी, मतलब साल भर में कितना कमाती है? मैं साल भर में 8 लाख रुपया कमा लेती हूँ। 8 लाख रुपया? हाँ सर। ये तो आपसे डबल है भाई। कितने साल में ये अचीव कर लिया आपने? मेरा तो अभी 5 साल हो गया सर। पूरे असम के लोग तो आपको बड़ा इंस्पिरेशन के रूप में देखते होंगे। हाँ देखते हैं। अभी तो मैं सर जीरो से बढ़ तो मैं हीरो बन गई हूँ सर। आभार। मेरे सखी मंडल का नाम है अत्युत्तमम सखी मंडल, जिसमें हम लोग हैंडमेड एंड होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं, जो सारी घर की चीजों से बनती है। सरस मेला है, वाइब्रेंट गुजरात है, मॉनसून फेस्टिवल है, उन सब में हम लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जिससे हमारे प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। एक ही साल में हम लोगों ने करीब 30 लाख से भी ऊपर का टर्नओवर कर लिया। 30 लाख से ऊपर का टर्नओवर, और 12 लाख से भी ऊपर हम लोगों का नेट प्रॉफिट है सर। 10 महिला मिलकर सैनिटरी नैपकिन की कंपनी चलाते हैं सर। लातूर से कितना दूर है आपका? 20 किलोमीटर है सर। 20 किलोमीटर? हाँ। शुरू जब किया तब कितने बहने? तब 10 बहने थे। हाँ। कोई आने के लिए तैयार नहीं था, और वो बात भी बोलने के लिए तैयार नहीं था कि ये सैनिटरी नैपकिन है, हम ये लचाते हैं, हम ये बोल नहीं सकते, ऐसा बोलती थी। कितना टर्नओवर होता है? 5 लाख का टर्नओवर होता है सर। आप इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोल लेती है? ऐसे ही आ जाते हैं सर बोल बोल के। अच्छा, तो बेचने के लिए महाराष्ट्र के बाहर भी जाते हैं क्या? नहीं नहीं सर, महाराष्ट्र में है अभी तक। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो महिला लोग के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम चला, और हम लोग को जो रोजगार मिला सर, उसमें अहम भूमिका आप ही कहा। हम लोग तो सिर्फ माध्यम जाने के लिए ये है, सारा चीज तो रास्ता तो बनाया आपका है, हम लोग को तो सिर्फ चलना है। 2017 से मैं एज ए बैंक से ही काम किया। अभी कितना कमाती हैं? अभी मैं सर 4.5 से 5 लाख तक कमाती हूँ। यहीं से हैं आप? हाँ। इन सबको घर ले जाइए। लेके जाऊंगी सर। हाँ। आप भी आइए। हाँ। मुझे कौन बुलाता है? कोई बुलाता नहीं सर। मैं बेच सकी हूँ सर, मेरा काम जो है, जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं, जिनको बैंक जाने में दिक्कत आती है, घर में उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके घर घर जाके मैं उनका खाता खुलवाती हूँ। सर मैं आपको कल का एग्जांपल बताती हूँ सर। कल मेरी गुड़िया से स्कूल में पूछा कि आपके मम्मी कहाँ गए हुए। हाँ। तो सर मेरे बच्चों ने बड़े प्राउड से बोला कि मेरे मम्मी तो महाराष्ट्र गए और मोदी जी से मिलने गए। आप नहाने आए थे सर, उस समय भी आपसे मिलना नहीं हुआ, लेकिन आज आपसे मिलकर सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, हमारा सौभाग्य। बहुत आता था जो 2023 में इंटरनेशनल मिलिट्स ईयर चला था, तो हमने मिलिट्स का ट्रेनिंग लिए सर। मिलिट्स का ट्रेनिंग लेके कलेक्टर के पास ही जिला पंचायत है, वहाँ हमको बिल्डिंग मिली मिलिट्स कैफे चलाने का, तो हम लोग 38 दीदियाँ वहाँ काम करती हैं। आप कितना कमाती हैं? मैं सर, मेरी वहाँ सैलरी 30,000 है, तो मेरी टोटल इनकम साल की 3,30,000 रुपए है। मैं एक पशु सखी और गुजरात वाले NDDE की तरफ से हेल्प वर्कर दी हूँ, और मैं एक खुद लखपति दीदी हूँ, और मेरे साथ 88 महिलाएं काम करती हैं। मेरे समूह का नाम जय माता दी है, और मैं समूह में और गांव पात्री से पशु सखी का काम करती हूँ।
और मैं 500 फार्मर के साथ काम करती हूँ। 500 फार्मर के साथ। तो मेरा काम है जो एसएससी डीडी लोग है वो लोग को मैं लोन देता है और वो लोग को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। लगभग 1,50,000 साल में कमा लेते हैं। जी सर, हम मोमेडियन है सर, तो हमारे समाज में बाहर निकलने का हमको इजाज़त नहीं थी सर। मेरे घर की हालात बहुत नाजुक थे सर, और समूह में जुड़ने के बाद मुझे पशु सखी का गांव पाचरी पर काम मिला और आज मैं खुद लखपति दीदी हूँ सर। कहाँ से हैं आप? मेघालय से। मेघालय। कितनी बहनें हैं आपके साथ समूह में? तो हम तो 10 हैं, लेकिन हम तो इतना एसएससी फॉर्मेशन में काम कर रहा है ना, मेरा तो एसएससी फॉर्मेशन में 3,000 जैसा हो गया। अभी जब हम ये अभियान में नहीं थे तो हमको कुछ महत्व नहीं था, जब हम ये अभियान में आए तो हमारा मान बढ़ गया, कृषि के डॉक्टर बन गए और कृषि सखी का ट्रेनिंग मिल गया, तो हमें डॉक्टर दीदी से ना से जाना जाता। कितने पशु होंगे जिनकी आपको चिंता करने की नौबत आती है? सर हमारे बांह पे जो भी है ना, हमारा बड़ा बहुत बड़ा है तो बांह पे 26 है, हम सभी काम करती है जो, तो हमारे बांह पे 470 लखपति दीदी बनाए हमने। 470? हाँ जी। वाह, आपने कमाल कर दी है, बहुत बधाई आपको। सर आपने 2021 में जो 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप बनाने का सर योजना बनाई थी, उसी के तहत सर हमने आत्मनिर्भर महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड इछावर का सर गठन किया सर, और सर पहले ही साल में हमने 1,000 फार्मर्स दीदियों को कंपनी में सर जोड़ के 1,000? जी सर, एक साल में। हाँ सर। आदाब सर, मेरा नाम राबिया बशीर है, मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हूँ। मेरा डेयरी फार्म का बिजनेस है और अभी मेरी साल की इनकम 1,20,000 है। मैं खुद भी एक लखपति हूँ और मैंने अपने साथ 160 मेंबर्स को लखपति बनाया है। पशु की केयर करते हैं? हम अभी 10 पशु की केयर करते हैं। जय जोहार सर, छत्तीसगढ़। जय जोहार। सर हमारा FPO है स्वर्णोपज, जो भारत सरकार जिसको प्रोजेक्ट को बनाई है, उसमें सर अभी तक हमारे 15,800 दीदियां जुड़ी हुई हैं, किसान दीदियां, तो हर दीदी 50,000 से 60,000 रुपए से अपना कमीशन निकालती है। कितने बहने हैं? अभी हम लोग के साथ 500 महिला है। अच्छा। मैंने ड्रोन दीदी में ये है, ये ड्रोन दीदी है। ये मेरा गांव में सब लोग ड्रोन पायलट बोलते हैं। पायलट बन रिसोर्स जिला में 3 ड्रोन पायलट है, उसमें मैं भी है। 2019 से मैं SHG जीवन स्वयं सहायता में सदस्य करके हूँ। सर हमारे साथ 1,500 महिला। 1,500? हाँ सर, मेरे को मराठी हिंदी नहीं आती सर, ज्यादा मराठी बोल सकती है? बोल सकते हैं ना सर। माझा व्यवसाय है, माझ्या शेतामध्ये मोह है, तो मी मोहाचा व्यवसाय करते आणि समूहातील महिला आहे त्यांच्याकडून पण मी मोह खरेदी करते, तर माझा 2 महिन्यामध्ये 2 ते 2.5 लाख इन्कम झाला आहे। आणि 2 लाख? हां। आणि टोटल महिला किती आहेत? 538। सर मी मराठी बोलते। हो का, चालेल। मी रत्न, माझा टुरिस्टचा व्यवसाय आहे, माझ्याकडे 2 टुरिस्ट बोट आहे, त्याच्यातून मी पर्यटकांना फिरवते आणि मी स्वतः केरळला जाऊन तिथे मी केरळ दौरा करून आले हे आम्ही तिथे व्यवसाय सगळं टुरिस्ट आम्ही महिला बघणार आहोत आणि स्वतःची माझी टुरिस्टची बोट आहे, स्वतः मी 3 वर्ष ती चालवते आणि त्याच्यातून मला 1 ते 1.5 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न येतो आणि अजून मी सर्व महिला माझ्याबरोबर सोबत घेऊन हा व्यवसाय पुढे न्यायचा आम्ही प्रयत्न करणार। गोंदिया जिल्ह्याचे हूँ, सालेकसा क्षेत्र आदिवासी एरिया से हूँ, आदिवासी महिला हूँ। अच्छा। और ई रिक्शा मिला है मुझे, मैं ई रिक्शा स्वयं चलाती हूँ और उसी से गाँव से भी खरीदी करती हूँ और बिक्री करती हूँ। 10 से 12 हजार रुपये महीने का मेरे को प्रॉफिट होता है। आप सबको सुनने के बाद मुझे लगता है कि अब देश में लखपति दीदियों की संख्या बहुत बढ़ने वाली है, और जब लोग देखेंगे आपका एक आपकी बातें सुनेंगे, आप भी यहाँ पर औरों को भी बताना कि आपका क्या अनुभव रहा है, कैसा अनुभव रहा है और उसके कारण कितना आत्मनिर्भर आप बन सकते हैं और पूरे परिवार को कितनी मदद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपकी शक्ति का उपयोग होता है और उसके कारण पूरे आपके आसपास का जो वातावरण है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। मालूम है मेरा क्या लक्ष्य है? देखिए, 1 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनी है
और मुझे 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है, तो आप लोगों को औरों को समझाना पड़ेगा। करेंगे? हाँ, पक्का? हाँ। शाबाश, धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।